गाइस, वेलकम बैक टू आईक्यूडोस। मैं हूं राहुल और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एलजेब्रा के फॉर्मूले बताए थे और इस वीडियो में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा एक साथ चलती है एग्जाम में, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने पास नोटबुक रखिएगा ताकि आप फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक पे नोट कर सकें। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शंस होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूले स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले हम साइन के फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन के फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला है इसका साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स प्लस वाई है। इसके बाद में साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का क्या है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन। इसके बाद में चलते हैं कॉस कॉस के, कॉस एक्स प्लस वाई के, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर क्या आता है, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये हो गए प्लस वाले, ठीक है, इनको आप नोट कर लो पहले। इसके बाद में आप इनके ऐड ऐड करेंगे इन दोनों को, तो सर इसके बाद में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस एक्स साइन वाई, और ये बचेगा, ये क्या बचेगा, टू साइन एक्स कोस वाई। सिमिलरली साइन साइन एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स माइनस वाई, इसको अब की बार माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा टू कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब चलते हैं कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टू कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब चलते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ये घटाएंगे तो माइनस कॉस एक्स कॉस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस टू साइन एक्स। ये आठ फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस वाई को c मान लेंगे और x माइनस वाई को d मान लेंगे। अगर x प्लस वाई को हम c माना हमने और x माइनस वाई को d माना, ठीक है, तो ये कि माने, और इसलिए इसको हम इन दोनों को ऐड करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा टू एक्स बराबर c प्लस d, तो x बराबर c प्लस d बाई टू, इसे तो x का आ गया। अब अगर हमें y पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो टू वाई कोस्ट टू सी माइनस डी, टू वाई कोस्ट टू क्या होगा, सी माइनस डी बाई टू। तो इससे एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी, इसकी जगह सी रख दिया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू
कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। चलते हैं कॉस वाले, इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाले इस वाले, ठीक है। हम प्रूव करेंगे कॉस वाले, अब मैंने पिछली बार लिखाया था आपको कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई टू कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये वाली फॉर्मूले नोट कर लिया ना आपने, एक्स प्लस वाई को हमने सी माना, तो ये किसका बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी। इसका फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या बनेगा, माइनस टू साइन सी प्लस टू बाई टू साइन सी माइनस। अब मैं आपको बता दूं, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें, आप उसी जगह तो ये एग्जाम में ये वाला काम आता है, लेकिन उससे में क्या होता है इस वाले माइनस को बाहर निकाल लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस टीटा इक्वल्स टू माइनस साइन टीटा होता है, और कॉस माइनस टीटा कॉस टीटा, मतलब कि कॉस के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आने पर पॉजिटिव के अंदर, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर यहाँ से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, ये उल्टा हो जाएगा डी माइनस सी बाई, तो ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। चलते हैं साइन कॉस के हो गए, अब हो गए, अब आते हैं टेन, टेन के फॉर्मूले पर आते हैं। तो टेन का फॉर्मूला टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स, माइनस में इसमें माइनस कर दिया, टेन एक्स माइनस वाई निकालेंगे क्या करेंगे, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। ये ज़्यादा काम आता है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। अब हम साइन के और फॉर्मूले लिखते हैं, साइन टू एक्स कोस टू एक्स साइन थ्री एक्स कोस थ्री एक्स, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइन टू एक्स के बारे में, साइन टू एक्स कोस क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। और साइन टू एक्स का मान टेन के रूप में भी होता है, आपको पता होगा टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉस टू एक्स के बारे में, कॉस टू एक्स के फॉर्मूले हैं बहुत सारे, तो सबसे पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है एक क्या होता है, हम कॉस स्क्वायर एक्स को एक सारे समय में पढ़ाऊँगा मैं आपको आगे अभी, कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है, एक और फॉर्मूला कौन सा बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी को चेंज करेंगे तो एक क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कॉस टू एक्स का टेन के रूप में भी होता है, टेन के रूप में क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये होगी कॉस की। अब आते हैं टेन टू एक्स का, टेन टेक्स को क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला फॉर्मूला क्या है, साइन
3x, साइन 3x क्या था, 3 साइन x माइनस 4 साइन 2x, cos 3x 4 cos 2x माइनस 3 cos x, tan 3x 3 tan x, tan x माइनस tan 2x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मूले। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सरलसरी का, जो अभी पिछले फॉर्मूले में काम आए थे। पहली सरलसरी में क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की डेटा सेम होनी चाहिए तब इनकी वैल्यू 1 होती है। एक और होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। और होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x। तीन सरलसरी का इम्पोर्टेंट है तीनों, ये अलग अलग तरीके से पूछ जाती है। इसमें हमें क्या पूछता है, साइन स्क्वायर x का मान पूछता है, तो साइन स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। और इसमें क्या पूछेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और इससे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x इधर ले लेते जाएंगे, इस इक्वल टू ठीक है, माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। इसको मान लेंगे एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार हम इसे क्या लिखेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो मान है वो क्या होगा, 1 अपॉन sec x माइनस tan x के बराबर होगा। तो इसे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार cos x प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस x, ठीक है। ये इससे निकला है और ये ठीक है, नोट कर लेंगे। और चलते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही करेंगे। तो एक अभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये वाला, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू क्या होता है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आया कैसे, इसका होल स्क्वायर करके। मैं आपको एक प्रूफ नहीं करना चाहता क्योंकि अभी एग्जाम में आपको ये इम्पोर्टेंट ये याद रखना होगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और एक और होता है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला जो कंडीशन जो सर्व समीकरण लिखाए थे उसमें उस कंडीशनल होते हैं, मतलब कि यदि x1 प्लस x2 का मान 45 है, अगर पहला कोण और दूसरा कोण का मान 45 है, उनका योग 45 है, तो एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट है 1 प्लस tan x1 1 प्लस tan x2 का मान कितना होता है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना होगा। और एक और क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स एक्स वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू इक्वल टू 1, tan x tan x1 into
10 x2 equal to 1 cot x1 dot cot x2 equal to 1. अगर x दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो मतलब एंगल चेंज होते हैं कब चेंज होंगे, कब 90 और पे और ठीक में एंगल कितना जोड़ा जाए वो क्या होगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है, पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है, 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री, नहीं 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री, और भी फिर वापस 90 98 हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाले आएंगे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसमें 270 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ऑल जो आते हैं साइन कॉस टेन वगैरह सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, और एक और कह दूँ, हाँ मतलब कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन चेंज होते हैं, 180 पर और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, 90 और 270 होते हैं। और कैसे होते हैं, साइन का फंक्शन इंटरचेंज किसमें होता है, कोस फंक्शन में, और टेन का फंक्शन कॉट में, sec का फंक्शन cosec में, ठीक है। मतलब कि sin cos में और cos sin चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मतलब कि है एक तो sin 180 माइनस थीटा, ये sin 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, अगर 180 है तो sin का sin आएगा, मतलब कि sin चेंज नहीं होगा, sin थीटा ही रहेगा। लेकिन भी पता नहीं साइन माइनस का, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा होगा, ये वाला, इसमें ये साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन 270, साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा लिया हमने, 270 पे साइन कॉस में चेंज होगा, ठीक है, 270 प्लस थीटा कौन सी आता है इसमें, और इसमें साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के एंगल पर चलती है, सम कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, होता है और तो कोई भी पर एक 90 डिग्री में होता है। तो मैं आपको टेबल याद करवा देता हूँ अभी, जो कि पूछी जाती है। तो टेबल याद करने का तरीका ये देखो, मैं सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, जीरो डिग्री, 30, 45, 60, 90, इतने ही काम आते हैं अपने एग्जाम में। ये तो थीटा के लिए और एक फंक्शन, तो एक तरीका है इसका, मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4 तक ले देंगे, 4 का भाग दे देंगे, और इसका
स्क्वायर रूट लेनी है। तो इस ये तो बनेगा जीरो, तो साइन थीटा का मान जीरो, ये बनेगा वन बाई टू, साइन तीस का मान वन बाई टू, ये बनेगा वन बाई टू मतलब वन अपॉन रूट टू, साइन पैंतालीस वन अपॉन रूट टू, ये बनेगा रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बटे, और ये एक कॉस की वैल्यू पता लगाने के इसका उल्टा कर देंगे इधर से, मतलब जो साइन जीरो का मान होता है वो कॉस नाइन्टी का मान होता है, कॉस 90, कॉस 0, साइन 90, ये उल्टा करेंगे वन रूट थ्री बटे दो, वन बाई रूट टू, वन बाई टू, जीरो, ठीक है। अब हम क्या करें, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा इसका इसमें जीरो में अगर एक का भाग देंगे तो जीरो ही आगा, जीरो ही आएगा, लेकिन अगर एक में जीरो का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, वन बाई रूट वन बाई टू में रूट थ्री बाई टू को भाग देंगे तो क्या बचेगा, रूट थ्री, इससे वन बाई रूट टू वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इससे वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री बटे दो में ये बनेगा वन अपॉन रूट थ्री, वन और ये रूट थ्री, इससे टू से टू कर लेगा रूट थ्री बचेगा, तो कोड निकालना है इसका उल्टा कर देंगे वापस, थ्री रूट थ्री वन वन अपॉन रूट थ्री जीरो, सेक निकालेंगे कोस का उल्टा वन दो ऐसे उल्टा रिवर्स रूट टू टू और इनफाइनाइट, उसे निकालेंगे सेम का इनफाइनाइट टू रूट टू, क्या कर लें ऐसे ही रट जानी चाहिए, पहले पूछ लेगा पता सब एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत है, फिर आप जल्दी से सारणी को याद कर लीजिएगा। एक और कंसेप्ट बता दूँ आपको, ये वाला एक बार तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा टेन कोस साइन थीटा कोसाइन थीटा, लाल बटे का मतलब साइन थीटा, लॉन्ग बटे कर्ण कोस थीटा, आधार बटे कर्ण टेन थीटा, लॉन्ग बटे आधार कोस थीटा, आधार बटे लॉन्ग साइन थीटा, कर्ण बटे आधार कोस साइन थीटा, कर्ण बटे लॉन्ग, ठीक है। ये समझ हो जाएगी इसकी, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा लॉन्ग, थीटा पास में आधा है बेस, और जो सबसे बड़ी गुजर वो होगी हाइपोटेंस, हाइपोटेंस, ठीक है। तो एक मैं डायरेक्ट आपको याद दिला देता हूँ कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें समकोण त्रिभुज एक तो 90 होगा, और अगर ये हमें 30 डिग्री दे रखा है तो ये ऑफिशियली 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 के सामने की वैल्यू 1, 60 के सामने की वैल्यू रूट थ्री, 90 के सामने, तो ये आप सीधा सीधा याद रखिएगा। अगर आपको ये दे रखा है ये 90, ये 45, ये भी 45, तो आपने ज्योमेट्री पे कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर है तो उनके आमने सामने भुजा बराबर होगी, तो 45 के सामने भुजा ये, इसके सामने मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो ये इसका अनुपात एक अनुपात एक, तो ये कितना होगा, साइन कोस के रूल पर। ये त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला कैसे होगा, साइन ए का ए अपॉन साइन, साइन रूल तो क्या होता है, सबसे पहले साइन रूल a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर 2r, ये साइन रूल है।
कोसाइन रूल में हम क्या कर करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे कोस ए, कोस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस सी ये रहा, इसके अगल बगल को ऐड करेंगे, ठीक सर प्लस बी सर, तो और कोई फॉर्मूला रह गया तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहीं पे ख़त्म होते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको एलजेब्रा के क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा बुकलेट के, एक एक टाइप बाय टाइप मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।